सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही थी, हो रही है भी, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10.4 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है सॉल्व करिए dy/dx इज इक्वल टू 2x-y प्लस 1/x प्लस 2y-3। अब पहले इसको पहचानने की कोशिश करिए, ठीक है। जरा समझिएगा, हम जो मेथड बता रहे हैं, हो सकता है कुछ बुक्स में वो टैली ना करें। नहीं, टैली करेगा, हम ये नहीं करें टैली नहीं करेगा। जरा समझने की कोशिश करिए, होता क्या है। अगर मैं कहूँ d/dx ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो आप अगर इसको इंटीग्रेट करो तो d/dx हट जाएगा, तो साइन एक्स आ जाएगा। तो अगर इसको हम इस फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करें कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, तो जब इसको इंटीग्रेट कर दोगे ना, तो ये आपका समथिंग आंसर में आ जाएगा। d और इंटीग्रल साइन हट जाएगा। तो ये तरीका हम अगली एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि हमने वो कॉन्सेप्ट बताया नहीं है, इसलिए हम वो मेथड यहाँ अडॉप्ट करने नहीं जा रहे। हमारा थोड़ा लेंदी मेथड ये हो जाएगा, लेकिन जब अगली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, तब आप यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा के इसको लगा सकते हैं। अभी हम दिमाग नहीं लगाना चाहते। देखो ये 1 डिग्री का है, 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 यानी 1 और 3 गड़बड़ कर रहा है। तो अगर कुछ ऐसा हम कर दें कि 1 और 3 हट जाए, तो ये होमोजीनियस बन जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। तो इसमें करते क्या है, यहाँ पर एक चीज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच लिख देते हैं, और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के लिख देते हैं। अब जब स्मॉल एक्स हटोगे तो डी एक्स का मान डी कैपिटल एक्स हो जाएगा, और डी वाई का मान डी कैपिटल वाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ होने वाला है डी वाई बाय डी एक्स, सब कैपिटल है यहाँ पर, इक्वल टू एक्स प्लस एच माइनस वाई प्लस के प्लस 1/ यहाँ पर आएगा एक्स प्लस एच प्लस 2y+k-3। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या आएगी 2x। देखो एक्स वाई को एक साल लिखो, माइनस वाई प्लस 2h-k+1/ यहां पर आएगा एक्स प्लस 2y+h+2k-3। अब आप कहेंगे भाई ये होमोजीनियस कहां से दिख रहा है आपको, किस बंदे ने बताया कि होमोजीनियस है। जी नहीं, ये होमोजीनियस अभी नहीं बना है। अब आप कहेंगे तो और बदतमीजी कर रहा है, अभी तक यहाँ 1 और 3 गड़बड़ करा था, अब तो ये 2h-k और ये हिंटेन लालटेन आ गया, तब क्या करें। हम एच के की वैल्यू ऐसे डिजाइन करेंगे कि ये टर्म 0 हो जाए। तो आप लिखेंगे वी चूज द वैल्यूज ऑफ एच के, वैल्यूज ऑफ एच एंड के सच दैट ये जो आपका 2h-k+1 भी 0 हो जाए और h प्लस 2k-3 भी 0 हो जाए। ये हम ऐसा डिजाइन करेंगे, बट मैंने सॉल्व किया, जरा देखें गलती ना हो रही हो। 2h-k+1 0 करेंगे और h प्लस 2k-3 0 करेंगे, है ना। ये डिजाइन ही वैसे करेंगे कि भाई h की ऐसी वैल्यू हम लें कि वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। तो आप डिजाइन करोगे तो आना भी चाहिए ना वैल्यू h के। तो ऐसा करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे लिख दो उसके 4h-2k+2=0, और दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ये 5h हो जाएगा और ये कट जाएगा -1, तो h का मान आएगा 1/5। हम यहां लिखे जा रहे हैं h का मान आएगा 1/5, आ रहा है ना, आ ही रहा होगा, एक मिनट। अच्छा इधर -1 आने वाला है, उधर जाके हाँ ठीक है +1 हो जाएगा। h का मान यहां रखो उठा करके, तो 1/5 प्लस 2k-3=0, 5 एलसीएम ले लो, तो 1+10k-15=0, तो k का मान आने वाला 14/10, यानी कि 7/5, k का मान आएगा 7/5। ये लिख दे रहे हैं, बाद में हम देखेंगे, ठीक है। तो जब यहां वैल्यू पुट करेंगे आप, ठीक है, एच के हम लिखे जा रहे हैं, सही है ना, -14 आएगा उधर जाके 14/10, हाँ ठीक है। अब देखो ये तरीका है, मतलब ये हवम तरीका मैं नहीं बता रहा हूं। तो जब यहां वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन वन बिकम्स क्या होने वाला है,
ये टर्म तो आप जीरो रख दिए हो ना, तो यानी ये आपका होने वाला है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस टू वाई। अब बताओ ये होमोजीनियस है कि नहीं है, है ना, इट इज होमोजीनियस, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या तरीका होता है, यहां पुट करेंगे वाई बराबर वी एक्स। देखो तरीका जो और भी हो सकते हैं, अगर हम यहां पर सर्च करके ले आए कि ये डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग लिखा हुआ है तो इंटीग्रेट करेंगे तो समथिंग आंसर आ जाएगा, लेकिन वो सर्च करना पड़ेगा, उसके लिए अगली साइज में हम कॉन्सेप्ट आएंगे, इसलिए हम यहां पर उसको यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स रख दो यहां पर। सो यहां हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू वी एक्स। एक्स एक्स कर जाएगा ऊपर नीचे, तो v प्लस एक्स ये सब कैपिटल चल रहा है, तो ऊपर आएगा 2 माइनस v अपॉन एक्स, तो कट गया ना 1 प्लस 2v। अगले स्टेप में ये v भाई साहब माइनस में चले जाएंगे, है ना। अब आप देखिए लंदी हो रहा है, लंदी तो हो गई भाई, जो तरीका हम बताएंगे शॉर्ट वाला वो भी सोचना पड़ेगा उसमें बहुत ज्यादा, इसमें सोचना नहीं है, जो थोड़ा कैलकुलेशन जरूर लंबा है लेकिन इसमें दिमाग ही लगाना है, पुट कर देना आंसर आ जाएगा। अब ये हो जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम लेंगे 1 प्लस, तो आएगा 2 माइनस वी माइनस वी माइनस टू वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टू वी। तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2v स्क्वायर माइनस का 2v प्लस का 2 अपॉन 1 प्लस टू वी। ऐसा करो, ये चूंकि स्क्वायर माइनस में है तो माइनस काम ले लो, 2v काम ले लो, तो आएगा v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2v, है ना। और यहां पर आएगा x dv बाई डी एक्स। जैसा कि रूल है कि पुट करने के बाद फंक्शन 99.9 में ही 100% वेरिएबल आर सेपरेबल में चेंज होना है, इसको इधर ले आओ, तो 1 प्लस 2v अपॉन v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 इंटीग्रल dv बराबर माइनस का 2 dx अपॉन x इंटीग्रल कर दिया, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए और आंसर ले आया जाए, है ना। चलते हैं, देखो इंटीग्रेट करोगे तो सावधान, इस स्टेप में पहुंचने के बाद आपका काम इंटीग्रल करना है, उसके लिए इंटीग्रल का चैप्टर आपको आना चाहिए। साफ साफ दिख रहा है, अगर v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 को आप t मान लें तो उसका डेरिवेटिव 2v प्लस 1 dv, 2v प्लस 1 dv आने वाला है, तो 1 अपॉन t हो जाएगा, इसका इंटीग्रल लॉग में आने वाला है। डाइट क्यों कर रहा हूं, बोले डाइट क्यों कर रहे हो, अरे आपको आता है लॉग, ये आएगा v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 बराबर माइनस का 2, 1 अपॉन इसका लॉग x, और c को भी आप लॉग c कर दो, बेचारा कहा है अकेले बेचारा परेशान होगा है। अब v का मान रख दो log, y बराबर वी एक्स रखा था ना, तो v का मान क्या आएगा, y अपान x, यानी y स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस y अपान x माइनस 1, ये log के अंदर आया, इसको इधर ले आओ, प्लस का 2 log x, log c को अकेला कर दो, बोले भले ही log है, अब बाहर बैठो लेबर कहीं के नहीं, मतलब वो लेबर नहीं है, वो मेन तो वही है। देखो इसमें एलसीएम ले लो, तो आएगा log, क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आप 2 हटाओगे तो 2x स्क्वायर आएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, चलेगा, इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग हटा दो ये x स्क्वायर कट जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सी, ये आपका आंसर आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपने यहां पर पुट किया था x इज इक्वल टू एक्स प्लस कैपिटल एक्स प्लस एच, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल एक्स माइनस एच, यानी स्मॉल एक्स माइनस 1 बाई 5, और स्मॉल वाई की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल वाई की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल वाई माइनस के, यानी स्मॉल वाई माइनस 7 बाई 5, उठा रख देंगे आंसर आ जाएगा, नहीं भी रखोगे काम चलेगा। आप ये आंसर लिख दोगे और लिख दोगे भाई वेयर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस 1 बाई 5 एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस 7 बाई 5, ये आप लिख सकते, ठीक है, आंसर ही छोड़ सकते हैं। तो आंसर टैली कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता,
नहीं करेगा, कांस्टेंट गड़बड़ करेगा बस, केवल और कुछ नहीं करेगा, कांस्टेंट क्यों गड़बड़ाएगा और वही आंसर आएगा, ठीक है। तो दिस इज सिक्स क्वेश्चन ऑफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 10.4 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।